सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वॉज वर। वॉज को कहाँ यूज करना है, किसके साथ यूज करना है, वर को कहाँ यूज करना है, किसके साथ यूज करना है और कैसे कैसे यूज करना है। वॉज और वर को हम यूज करेंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब जो काम हमारा हो चुका था। तो वॉज वॉज किसके साथ यूज किया जाएगा, ही शी इट आई के साथ एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जैसे अगेन काउ बर्ड, कोई भी चीज क्या हो वो सिंगल हो। वर वर किसके साथ यूज किया जाएगा, प्लूरल नाउन्स, काउज, बर्ड्स, बफेलोज, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, वर। ठीक है, एग्जाम्पल्स। आई डैश अनवेल लास्ट नाइट। लास्ट नाइट किसमें हो गया, पास्ट टेंस में, यानी लास्ट नाइट मैं बीमार था। तो आई आई के साथ मैंने आपको बताया व्हाट यू विल यूज, यू विल यूज वॉज। चिल्ड्रन डैश सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, यानी चिल्ड्रन जो है क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले बता दूं, चाइल्ड हो तो वो हमारा सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन होता है वो हमारा प्लूरल होता है। कभी भी चिल्ड्रंस नहीं बोला जाता, वी ऑलवेज से चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के साथ आप क्या यूज करोगे, एज आई टोल्ड प्लूरल नाउन्स, तो चिल्ड्रन वर लगा दिया जाएगा। रुचि डैश एबसेंट यस्टरडे। तो रुचि क्या थी, एबसेंट थी। देर इज अ नेम ऑफ वन गर्ल, सो यू विल यूज वॉज। हिज ट्राउजर्स डैश टाइट, यानी उसके ट्राउजर्स क्या है, टाइट हो चुके हैं। अब यहाँ पे ट्राउजर्स है, यानी एस दे रखा है, तो इट मीन्स इट बिलोंग्स टू प्लूरल नाउन, सो यू विल यूज हेयर वर। नेक्स्ट, स्नो वाइट डैश अ ब्यूटिफुल गर्ल। हेयर वी वर टॉकिंग अबाउट वन गर्ल, यानी स्नो व्हाइट, एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्नो व्हाइट के साथ आप क्या लगाओगे, वॉज। इट डैश फॉगी यस्टरडे, अगेन इट, तो इट के साथ आप क्या लगा दोगे, वॉज। वेयर डैश दे गोइंग लास्ट नाइट, यानी दे है यहाँ पे, तो दे के साथ क्या लगेगा, वर। शी डैश वेरी एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक, हेयर शी, तो शी के साथ आप क्या लगाओगे, वॉज, तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ समझ आया है इस वीडियो से देखकर, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस इससे भी बेटर होंगी। इस एम आर वॉज वर की मेरी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगी। अगर पूजा एंड आई लिखा है, पूजा एंड आई डैश प्लेइंग, तो आप आई के साथ एम लगाओगे या फिर और कुछ लगाओगे। अगर आप एम लगाते हो तो वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।